नहीं बच्चों, आज वर्ग 5, 6, 7, 8 के लिए हिंदी व्याकरण की शुरुआत मैं करने जा रहा हूँ। व्याकरण में 5 विभाग व्याकरण के किए गए हैं। हिंदी व्याकरण में वर्ण विभाग, शब्द विभाग या विचार कहिए, वाक्य विचार, चिन्ह विचार और छंद विचार, जिसमें आप लोगों को 3 विचार के बारे में पढ़ना है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार का प्रारंभ यहीं से होता है, वर्ण किसे कहते हैं? उत्तर है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके, वर्ण कहलाता है, जैसे अ, ओ, क, ख, ग इत्यादि। इसे अक्षर भी कहते हैं, परंतु संस्कृत व्याकरण के अनुसार अक्षर को खंडित किया जा सकता है, जैसे क बराबर क जोर अ, क हलंत जोर अ, च बराबर च हलंत जो ग, ख बराबर ख हलंत जो ख, तो इसे अक्षर कहा जाता है। लेकिन व्यवहार में, परंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से इन्हें एक ही माना जाता है, अर्थात वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण और अक्षर एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। वर्ण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। कुल मिलाकर हिंदी में वर्णों की संख्या 52 होती है, जैसे स्वर 11, अ आ ह्रस्व ई दीर्घ ई ह्रस्व उ दीर्घ ऊ री ए ऐ ओ और औ, इनकी संख्या 11 है, यही स्वर कहे जाते हैं। इसमें जो ह्रस्व स्वर हैं उनको मूल स्वर भी कहते हैं, आगे बताएंगे। व्यंजनों की संख्या है 33, कवर्ग से लेकर कवर्ग तक, यर लव तालव्य स मूर्धन्य स ह, इनकी संख्या 33 है। कवर्ग से लेकर कवर्ग तक 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, ये 33 वर्ण हैं, व्यंजन हैं। संयुक्त वर्ण हैं 4, 6, 3, 11 और 7। इनका निर्माण क हलंत जोर मूर्धन्य स हलंत जोर अ बराबर ये हो जाएगा संयुक्त 6। त्र त हलंत जोर हलंत जो अ बराबर हो जाएगा त्र। ज हलंत जो यहाँ हलंत जोर अ बराबर हो जाएगा ज। तालव्य स हलंत जोर र हलंत जोर अ बराबर हो जाएगा स। ये चारों संयुक्त वर्ण कहे जाते हैं, इसलिए कि 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, संयोग करके बनते हैं, इसलिए संयुक्त कहा जाता है। अयोग वाह 2 अंग और अह, ये न तो स्वर हैं न व्यंजन हैं, इसलिए इन्हें अयोग वाह कहा जाता है। इनका व्यवहार स्वतंत्र रूप से नहीं होता, बल्कि अंग का उपयोग अनुस्वार के रूप में और अह का उपयोग विसर्ग के रूप में किया जाता है।
हिंदी में दो वर्ण अलग हैं, अर और ह, जिन्हें द्विगुण वर्ण कहा जाता है। कुल मिलाकर इनकी संख्या होती है 52। 3, 1, 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 1, 1, 2, 3, 5 ये 52 वर्ण ही हिंदी व्याकरण के वर्ण होते हैं। अब पहला है स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, तीसरा प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है, इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ये हैं अ, ह्रस्वई, ह्रस्वउ, अगरी। दूसरा है दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व से दोगुना समय लगता है, ये हैं आ, दीर्घई, दीर्घउ, ए, ऐ, ओ और औ। तीसरा है प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, जैसे ओम, हे राम इत्यादि। इनका प्रयोग प्रायः वेद की ऋचाओं या संगीत में होता है। इन्हें दर्शाने के लिए हिंदी के 3 के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे ओम। अब इनका प्रयोग संगीत में आप को वेद को कहना नहीं है, लेकिन वेद की ऋचाओं में, पूजा पाठ में आपने सुना होगा, तो उनके ऋचाओं में अधिकतर प्लुत स्वर का व्यवहार होता है, जैसे ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहद स्रा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा इत्यादि। तो ये तीनों स्वर की 3 परिभाषाएं हुई। और इसके बाद अब आगे मैं व्यंजन वर्ण के बारे में बतलाऊंगा। बच्चों, अभी कुछ देर पहले आपने वर्णों के विषय में और स्वर वर्ण की परिभाषा उदाहरण आदि पढ़ा। अब मैं बताने जा रहा हूँ व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन का वर्ण कहा जाता है। जो भी वर्ण हैं, जितने भी व्यंजन हैं, वे शुद्ध व्यंजन हलंत लगने के बाद होते हैं, और जब भी मुंह से बोल करके उनका उच्चारण किया जाता है तो उनमें स्वर का मेल होता है। जैसे शुद्ध व्यंजन हम बोल नहीं पाते, हम उसके लिए हलंत लगाना पड़ता है, क हलंत ऐसा नहीं बोलेंगे। क, ख, ग, घ, अंग आदि जो पढ़ते हैं हम, तो उसमें अ मिला हुआ है सब में, और इसीलिए जब तक अ की मात्रा उसमें नहीं मिल जाती तब तक उसका उच्चारण नहीं होता। इसीलिए लिखा गया है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से हो उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है, जैसे क, ख, प, च, ह इत्यादि। व्यंजन वर्ण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कवर्ग से लेकर पवर तक, कख दघ ङ, तथ दध ञ, टठ दध ळ, तथ दध न, प क व भ म, ये जो 25 हैं, कवर्ग से पवर्ग तक इनकी संख्या 25 है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पूरा स्पर्श मुख के किसी भाग से नहीं होता, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। ये हैं य, र, ल और व, इनकी संख्या 4 होती है। तीसरा है उष्ण व्यंजन। इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास वायु रगड़ खाती हुई निकलती है, अतः इन्हें उष्ण व्यंजन कहा जाता है। उष्ण का अर्थ होता है गर्म,
तो गर्म वायु जो निकलती है इसीलिए इनको उष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी चार होती है, ये हैं तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। अब है द्विगुण व्यंजन, जिनका व्यवहार केवल हिंदी वर्णमाला में ही होता है, वे हैं अर और ह। इनका प्रयोग केवल शब्दों के मध्य या अंत में ही होता है, प्रारंभ में नहीं होता। अर्थात इनके प्रारंभ से कोई भी शब्द का निर्माण नहीं किया जाता। उदाहरण जैसे सड़क, पकड़, तड़क, भरक इत्यादि। अब यहाँ देखिए, यहाँ अर का प्रयोग मध्य में है, सड़क नामक शब्द के मध्य में, पकड़ के अंत में है, तड़क के मध्य में है, भरक के मध्य में है इत्यादि। एक है द्वित व्यंजन, दो समान व्यंजनों के संयोग से बने शब्द द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जब एक ही व्यंजन जब दो बार लगातार प्रयोग हो, अर्थात दोनों का संयुक्त प्रयोग हो, तो वैसे व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे कच्चा, इसमें चौथा संयुक्त है, दो बार च का व्यवहार हुआ है, च हलंत च आकार। पक्का, इसमें क का द्वित है। कुत्ता, इसमें क का द्वित है। सिक्का, इसमें क का द्वित है। सच्चा, इसमें च का द्वित है। तो इन्हें द्वित व्यंजन कहा जाता है। जब दो समान व्यंजनों के संयोग से जो शब्द बनते हैं वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। अब रह गया है केवल वर्ण विचार में, वर्णों के उच्चारण स्थान, जो बाद में बताया जाएगा। धन्यवाद।